टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे और वक्ताओं की इस कड़ी में हम लोगों के बड़े भाई रुपेश सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता हैं, मैं उनको मंच में आमंत्रित करूंगा कि आए और आपसे गुजारिश है संक्षेप में विचारों को, क्योंकि समय अपने और अनुराग पांडे जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का एक छोटा सा प्रयास के लिए हम इस पे प्रयोग कर रहे हैं। विकास महानगर की जिम्मेदारी और अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि महानगर अध्यक्ष के तौर पे ये अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। अनुराग पांडे छोड़ूंगे। है बाबा मचा हुआ है लोगों के बीच, हमारे विरोधियों के बीच, लेकिन ये समय जो हिंदुत्व के धार में जुड़े हुए कुछ तथाकथित ठेकेदार हैं हिंदू समाज के, जो हिंदुत्व के ही पीठ में खंजर भोंपने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। इनको पहचान करके इनको उचित सजा जो भी हिंदू समाज मुकर्रर करेगा वो देगा इनको, क्योंकि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सनातन संघ संवैधानिक तरीके से अदालत में जो मुकदमे लड़ रहा है उसके, क्योंकि मुकदमा हमारा 712/22 पोषणीय हो चुका है, हम ज्ञानवापी के उन साक्ष्यों को लेकर के अदालत के सामने आएंगे जो उसे मंदिर सिद्ध करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ साक्ष्य इतने ज़्यादा हैं, वहाँ साक्ष्य के अलावा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसी तरह के जो चर्चाएं मीडिया के माध्यम से समाज में फैल रही हैं कि हिंदू दो पक्ष में बढ़ गया, हिंदू दो पक्ष में बढ़ गया, तो वहाँ पे इस पे विराम लगाने का एक प्रयास था। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी भेज दी गई है, अभी उनका जवाब नहीं आया है, हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उनका जैसे ही जवाब मिलेगा हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और मिलकर के उनसे बात करेंगे। गृह युद्ध कराने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं जो विश्व वैदिक सनातन संघ कभी नहीं होने देगा। पहले तो आप लोग देख रहे हैं, इस पर स्पष्ट है कि जब देश विरोधी गतिविधियों में हम लोगों ने शामिल पाया इन तथाकथित अधिवक्ताओं को, उन्होंने जब देश विरोधी गतिविधियां स्टार्ट करी तथाकथित राष्ट्रवादी से मिल करके, उनको समझाया भी गया, बताया भी गया, लेकिन जब वो मानने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें पूरे हिंदुस्तान में चल रहे सभी मुकदमों से विश्व वैदिक सनातन संघ ने बाहर कर दिया। हम की कहीं से कहीं तक लड़ाई नहीं है, उनका दावा तो यहीं से दिखाई पड़ता है। पहले आने वाले भी हम ही हैं, इससे पहले वो नहीं। जब अब इनको मिल रहे हैं तो काम करने का, ये हमारे ही अधिवक्ता थे, उनको लाया भी गया, लाने वाले भी हम ही लोग थे। विश्व वैदिक सनातन ने ही उनको यहाँ अपॉइंट किया था, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए उनको हटाया गया। और देश विरोधी गतिविधियाँ कैसे सामने आती हैं, अदालत के मना करने पर भी वीडियो लीक होता है। वीडियो कैसे लीक होता है, क्यों लीक होता है, भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये वीडियो ज्ञानवापी संबंधित कमीशन के दौरान जो लीक हुआ, पब्लिक डोमेन में आया, अदालत के मना करने पर भी ये किस व्यक्ति ने लीक किया, ये जांच का विषय है। ऐसा है जो खुद गद्दार है, स्पष्ट तौर पे गद्दारी दिखाई पड़ रही है, हिंदू सनातन के साथ गद्दारी कर रहा है जो व्यक्ति, उसे बात करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। न्यायालय में बाहर जिस तरह का आरोप, पूरा आनंद उन्हें मिल रहा है और तबीयत से मिल रहा है,
क्योंकि समाज में यही चीज जो व्याप्त हो रही है कि हिंदू दो भाग में बटा। इस बात को मैं आपको स्पष्ट बताऊं, न हिंदू कभी बटा था, न बटा है, न कभी बटेगा। अब आगे आपकी रणनीति। इसके पहले जो मैं कहता था ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन तथाकथित अधिवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है ये चीज, ये वो खुद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज हिंदुत्व के पीठ में छूरा घोपने का काम हो रहा है, और जो हिंदू समाज के ही अधिवक्ता हैं, हिंदू समाज के ही लोग हैं, और ये हमारा समाज इन चीज़ों को जाने और समझे कि हम किन किन चीज़ों से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई दो प्रमुख लोगों से है। पहला जग जाहिर है, जो हमारे विरोधी हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी खेमा है। दूसरा वो हिंदुत्व के तथाकथित ठेकेदार जिन्होंने हिंदुत्व को अपना कॉपी राइट मान लिया है, और चूंकि वो हिंदू हैं, हिंदू के खाल में छिपे हुए हैं, इसलिए इन्हें पहचानने में दिक्कत हो रही है, और इन्हें समाज को पहचानना होगा, जानना होगा, जिससे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके, अपने उद्देश्य को महफूज रखा जा सके। इस उद्देश्य से इस बैठक की का आयोजन किया गया है, ये संगोष्ठी बुलाई गई है। जी स्पष्ट तौर पे आप नाम जानना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप जानते भी हैं इस चीज़ को अच्छी तरह। हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और उनके सहयोगीगण, जिन्होंने विश्व वैदिक सनातन संघ को भी तोड़ने का काम किया था, क्योंकि इन्हें विश्व वैदिक सनातन संघ ने देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व के चल रहे मुकदमों से बाहर कर दिया था। क्यों? कि इनका रहनुमा एक ऐसा व्यक्ति है जो कथित राष्ट्रवादी व्यक्ति पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर का आजीवन सदस्य है, जो संस्था मुसलमानों के पक्ष में काम करती है, इनका मेंबरशिप नंबर 1289 है। और रहा है, हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। न्यायालय में जो चीज चल रही है वो चलेगी, गुण और दोष के आधार पे, बताने के आधार पे, प्रमाण देने के आधार पे निर्णय हो वो न्यायालय का विषय है। लेकिन हमारे आपके बीच से अगर ये बातें हर उस सनातनी के लिए नहीं जा रहा है, हर उस हिंदू के लिए नहीं जा रहा है, हर उस अपने भाई के लिए नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे आप में कमी है। इसलिए इस संगोष्ठी को किया गया है कि आप जगाइए, जागिए। 10 लोगों को कहेंगे, 20 लोगों को कहेंगे, वस्तुस्थिति बताएंगे, प्रत्यक्ष क्या है, तो सारे लोग इन बातों को जानेंगे और उसको जान के आगे और अग्रसारित करेंगे। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि इस हाल में कोई फंक्शन और है तो और भी वक्ता है, हमारी आपकी बातें और भी मंचों पे होंगी, कहीं समय मिलेगा बातें होंगी इन्हीं चंद शब्दों के साथ। मैं आप सारे यहां आए आगंतुक मंच पे बैठे पिता तुल्य गार्जियन को शीश नवा के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और बहुत बहुत साधुवाद है कि कम से कम ये अलख कहीं तो जगी, और ये दीप जो जला है ये बाबा के आशीर्वाद से, इस नगरी के आशीर्वाद से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से ये दीप